Press the bell icon of the e-Pathshala channel and never miss another update. So basically हम लोग फेडरलिज्म का 7th चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का कर रहे थे. ये क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों. इससे पहले हमने वीडियो के दो पार्ट अपलोड कर दिए हैं इस चैप्टर पे, एंड देन ये वीडियो का तीसरा पार्ट है. ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, एंड देन इसके बाद हम जो हमारा 8th चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट, वो हम स्थानीय शासन स्टार्ट करेंगे. अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो जिसने पहले दो पार्ट कर लिए हैं उसमें हमने संघवाद की काफ़ी कुछ डेफिनेशन क्लियर करने की कोशिश करी है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है आपका. और अभी थर्ड चैप्टर जो है, अभी जो थर्ड पार्ट है ये काफ़ी हद तक वीडियो को ख़त्म करेगा. अब हमारी जो वीडियो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी गवर्नर ऑफ इंडिया. जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों संघवाद के अंदर, हमारे देश के अंदर संघवाद अगर रहना चाहेगा, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा, तो हमने ये देखा था कि सेंट्रल के स्टेट पे हमारे देश में कोई और कानून चलाता है और स्टेट के लेवल पे हमारे देश में कोई और कानून चलाता है. सेंट्रल में ज़्यादातर MP चुने जाते हैं और उसके बाद स्टेट लेवल पे हमारे MLA होते हैं. तो यहाँ पर MLA यानी कि इनमें से ही कोई MLA बाद में जाके CM बनता है, एंड एवरी स्टेट के हमारे पास CM होते हैं. अब ताकि CM और उसके बाद जो सेंटर में बैठे हुए MPs होते हैं, इनके बीच में कोई वाद विवाद पैदा ना हो जाए, दैट इज़ वाई जिस तरीके से हमने अपने देश के अंदर सभी MP के ऊपर, हम सभी MP के ऊपर हमने राष्ट्रपति को इस्टेब्लिश कर रखा है. और राष्ट्रपति होता तो नामात्र मुखिया ही है, लेकिन वो MP से बड़ा होता है. ऐसे ही हम लोगों ने क्या कर रखा है, सभी स्टेट्स के अंदर जितने भी MLA होते हैं, यानी कि अगर इन MLA में से किसी एक CM को चुना जाता है, हर स्टेट के अंदर एक CM होता है, लेकिन ये CM जो होता है इसके ऊपर एक गवर्नर भी होता है, और गवर्नर जो होता है दोस्तों ये राष्ट्रपति तय करता है. तो ऐसा ही हम समझेंगे इस पार्ट में, और हम समझेंगे गवर्नर का रोल क्या होता है. सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जिस तरीके से PM जो होता है पूरे भारत का, उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट होता है यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो हेड होता है, ऐसी एवरी स्टेट में जो CM होते हैं उन सभी के ऊपर गवर्नर होते हैं. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब जिस तरीके से PM अपने सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल को चुनता है, PM की भी कुछ शक्तियां होती है, PM की भी कुछ पावर्स होती हैं, PM भी कुछ सलाह मशवरा करता है प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट कुछ PM को एडवाइस करता है, ये होता है सेंट्रल लेवल पे. किस लेवल पे होता है दोस्तों, सेंट्रल लेवल पे. लेकिन अब यहाँ पर गवर्नर जो होता है वो भी ऐसे ही प्रेसिडेंट की तरह काम करता है CM के लिए. गवर्नर्स की भी बहुत पावर्स होते हैं ताकि वो सभी CM कि देख रेख में सभी काम को देख सके, क्या काम हो रहा है किसी राज्य के अंदर, क्या काम नहीं हो रहा है, CM को देखे कि बताए, एडवाइस करे. और इसमें से फिर हमें ये भी जानना है कि गवर्नर्स की पावर क्या होती है. दोस्तों ये सब इसलिए बनाया जाता है ताकि संघवाद जो है ना, फेडरलिज्म स्ट्रक्चर जो है वो सही तरीके से बना रहे. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं गवर्नर. मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है आनंदीबेन पटेल का. अब ये भी गवर्नर है, पर दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं. ऐसे ही आपको हर स्टेट के गवर्नर विकिपीडिया के ऊपर मिल जाएंगे. अब ये 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं. अब ये 28th गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की, यानी कि इससे पहले 27 गवर्नर बन चुके हैं. मैं आपको एग्जाम्पल सिर्फ एक समझा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नर का टाइम पीरियड क्या होता है, कैसे अपॉइंट होता है, किसके अंडरटेकिंग में होते हैं ये सब वगैरह वगैरह, जो काम हो सकता है सब कुछ, ठीक है. तो आनंदीबेन पटेल एक एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का है, वो उस समय वहाँ की गवर्नर है, वहाँ के CM जो है योगी आदित्यनाथ है, और राम नेक करके जो पहले बंदे थे वो पहले गवर्नर थे 27, आप क्या कहते हैं 28 जो है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल बन चुकी है, ठीक है. तो ये आपको एक एग्जाम्पल है. ऐसी मणिपुर का भी होगा, ऐसी राजस्थान का भी कोई गवर्नर होगा, ऐसी बिहार का भी कोई गवर्नर होगा, सभी के एक काम होंगे, सभी के एक जैसे काम होंगे, तो इसलिए हमने कोई रैंडमली एग्जाम्पल उठा लिया है.
ठीक है। तो अनुच्छेद के अंदर हमें बताया हुआ, अनुच्छेद 157 से लेके 158 के बीच में राज्यपाल के पद के बारे में बताया हुआ, यानी कि गवर्नर के पद के बारे में बताया हुआ है कि वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का पूरा होना चाहिए, वो संसद के किसी भी सदन का हिस्सा ना हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, किसी का भी हिस्सेदार ना हो वो बंदा इसीलिए, और उसके बाद उसने कोई भी लाभ का पद धारण ना कर रखा हो। तो इस तरीके से गवर्नर जो होता है प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर सकता है, वो प्रधानमंत्री से सलाह तो ले सकता है लेकिन पूरी तरीके से फ्रीडम जो होती है वो राष्ट्रपति की अपनी खुद की होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी दोस्तों गवर्नर्स होते हैं ना, ये सारे के सारे गवर्नर्स हमेशा दोस्तों प्रेसिडेंट के लिए ना एक एजेंट का काम करते हैं। मतलब अगर किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है ना, तो वहाँ पर गवर्नर्स की दोस्तों बहुत चलेगी, बहुत अच्छी तरीके से उसकी जो पकड़ होगी शासन के अंदर वो बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, तो एजेंट का काम करते हैं ये लोग, सो दैट इज़ वाई प्रेसिडेंट के पास इसकी पावर होती है। और ये बहुत बढ़िया है कि किसी मिनिस्टर के द्वारा ये अपॉइंट नहीं होते हैं, नहीं तो करप्शन फैलने के दोस्तों ज़्यादा चांसेस होते हैं इसी वजह से। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि अगर गवर्नर जो होते हैं क्या इनको हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता। दोस्तों बिल्कुल हटाया जा सकता है यहाँ पर, और नॉर्मली तो मैंने आपको बताया कि 5 साल के लिए होते ही होते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे हटा सकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ही तो अपॉइंट करता है दोस्तों। लेकिन अब राष्ट्रपति ऐसा तो नहीं कि 5 साल के लिए किसी बंदे को चुन लिया गया है और फिर राष्ट्रपति बोलेगा नहीं मेरा मन नहीं कर रहा इसको हटा दूँ, ऐसा नहीं होता। उसको रीज़न देना पड़ेगा। उसको रीज़न क्या देना पड़ेगा? अगर उस बंदे ने यानी कि गवर्नर ने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करा, यानी कि असंवैधानिक वर्क करा है, या उसके बाद उसने गैर कानूनी कोई माल प्रैक्टिस माल फील करा है, तो सिंपल सी बात है उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं गैर कानूनी काम करा है, तो फिर उसे हटाया जा सकता है, या राज्यपाल खुद इस्तीफा दे दे तो वो हट जाएगा। तो यानी कि राष्ट्रपति हटाएगा लेकिन राष्ट्रपति को भी रीज़न देना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रपति को खुद को भी हटाया जा सकता है इम्प्रीजमेंट के तहत, ऐसे गवर्नर्स को भी हटाया जा सकता है, लेकिन गवर्नर को कभी कोई सीएम या कोई पीएम नहीं हटाएगा। उसको हटाएगा तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा सकता है, क्योंकि जो जो अपॉइंट करते हैं वही उनको हटाते हैं। एंड देन हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी शक्तियों के बारे में। तो दोस्तों उनकी शक्तियाँ 4 प्रकार की होती है, वैधानिक शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि कार्यपालिक शक्तियाँ, डिस्केशनरी पावर यानी कि विवेकाधीन शक्तियाँ, एंड देन फाइनेंशियल पावर यानी कि वित्तीय शक्तियाँ। तो ये शक्तियाँ हैं जो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वैधानिक शक्ति यानी कि लेजिस्लेचर, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है राज्यपाल का क्या, मुख्यमंत्री जो होता है किसी भी इलाके का उसकी अपॉइंटमेंट करवाना। जैसे कि पीएम की अपॉइंटमेंट दोस्तों कौन करता है? पीएम की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट ही उसे शपथ दिलाता है। ऐसे ही जो सीएम होता है दोस्तों उसकी जो अपॉइंटमेंट करवाता है वो गवर्नर करवाता है। तो ये उसकी वैधानिक शक्तियाँ हो गई, और ये गवर्नर वही होता है जो विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें लाने वाला मुखिया होता है। जैसे ये बंदा लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा लाने वाला मुखिया होता है, लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा सीट पीएम को मिलती है, ऐसे विधानसभा के अंदर यानी कि लेजिस्लेचर के अंदर सबसे ज़्यादा सीट किसी भी सीएम को मिलती है, तो उसको गवर्नर अपॉइंट करता है। अब यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करता है तो यहाँ पे गवर्नर का दूसरा भी काम होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि राज्य चुनाव आयोग, राज्य के भी चुनाव आयोग होते हैं, उसको भी अपॉइंटमेंट राज्यपाल करता है, जबकि राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। यानी कि राज्य चुनाव आयोग को सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल नहीं हटा सकता। नियुक्त तो सिर्फ मैं बोल सकता हूँ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारे काम जो है वो करेगा। राज्यपाल का काम क्या होता है? जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायालय के जितने भी लोग होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट जजों की यही करता है। तो ये लेजिस्लेटिव पावर होगी। एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव मैंने बता दिया कि मुख्यमंत्री की शपथ दिलाना, उसके बाद राज्यपाल जो होता है, मंत्रिपरिषद जो होता है उनको भी बता
बताता है कि तुम्हें किसको अपॉइंट करना चाहिए, किसको अपॉइंट नहीं करना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से पीएम के पास पावर होती है कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुन सके और उनको डिपार्टमेंट दे सके, ऐसे ही सीएम के पास भी अपनी खुद की पावर होती है कि वो अपने खुद के मिनिस्टर चुन सके। लेकिन मिनिस्टर चुनने के लिए सीएम कभी कभार गवर्नर से भी एडवाइस लेता है, ये उनकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। ज़रूरी नहीं है पर वो अपॉइंटमेंट के लिए बोल सकता है कि भाई मुझे एडवाइस करिए। डिस्कशनरी पावर ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। यहाँ पे जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है ना, यानी कि कोलिनेशन गवर्नमेंट बनती है, तो राज्यपाल अपनी सोच बूझ का इस्तेमाल करके किसी भी मंत्री को मुख्यमंत्री का पद नॉमिनेट करता है और उसको शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति शासन जब लगा रहता है तो उस समय क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट जो गवर्नर होता है तो वो क्या कहते हैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और चाहे तो वो भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है किसी भी इलाके के अंदर। एग्जांपल के लिए मान लो मैं उत्तर प्रदेश की ही बात कर लूँ, अगर उत्तर प्रदेश में कहीं पे दो चार पार्टियाँ आपस में मिलके गठबंधन सरकार चला रही है और गठबंधन सरकार सही तरीके से चल नहीं पा रही है, जिसे हम कोलिनेशन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, अगर ये चल नहीं पा रही तो जो सीएम अपॉइंट किया गया है ना, वो सीएम गवर्नर से बोल सकता है कि यार इस उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा से राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो इसका काम होता है राष्ट्रपति शासन लगाने का भी। दूसरा, अब यहाँ पे किसी भी राज्य के राज्य के जो मामले होते हैं उसके बारे में राष्ट्रपति से निर्देश ले सकता है, उनको सूची बता सकता है। मैंने बताया ना, एजेंट का काम करता है बेसिकली ये, तो इसीलिए यहाँ पे वो उन्हें सबमिट कर सकता है रिपोर्ट और बता सकता है कि किसी भी स्टेट के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट को ही बताया जा सकता है, किसी पीएम को नहीं बताया जा सकता। अब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 356 के तहत अगर किसी राज्य के अंदर आपातकाल लगा हुआ है तो राज्यपाल जो है अपनी अनुमति के हिसाब से बोल सकता है किसी भी सीएम को कि भाई आपको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनको आपको बर्खास्त करना पड़ेगा या आपको उनको हटाना पड़ेगा। ये पावर भी क्या कहते हैं आपकी, हमारे गवर्नर्स के पास होती है। फाइनेंशियल पावर सबसे इंपॉर्टेंट है पैसों से रिलेटेड, यानी कि कोई भी बिना इसके रिकमेंडेशन के ना कोई भी डिमांड ड्राफ्ट जो है पैसों का वो पास नहीं हो सकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अगर स्टेट के अंदर कोई भी एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है तो इसको बताना ज़रूरी है, गवर्नर को बताना ज़रूरी है कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो। क्यों? क्योंकि फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट का जो अपॉइंटमेंट होता है ना वो ये खुद ही करता है, तो दैट इज़ वाई इसकी पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग कि गवर्नर जो होते हैं वो क्या कहते हैं, किसी भी राज्य के अंदर तो होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, और इनकी पावर बहुत ख़तरनाक होती है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी स्टेट्स होते हैं जिनको हमने स्पेशल प्रोविज़न दिया हुआ है और वहाँ पे गवर्नर्स जो है वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हैं और यहाँ पे सीएम जो है वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे स्टेट इसलिए हमने कर रखे क्योंकि वहाँ पे उनके डिफरेंट कल्चर है, दैट इज़ वाई। अब एग्जाम्पल है आर्टिकल नंबर 371। इस आर्टिकल नंबर 371 के अंदर हमने स्पेशल प्रोविज़न दे रखा है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट के जितने भी इलाके होते हैं वहाँ पर, बोल सकते हो आदिवासी लोग भी हो गए क्योंकि उनका अलग इतिहास है, अलग संस्कृत बैकग्राउंड से वो लोग आए हुए हैं, दैट इज़ वाई हमें इनको स्पेशल आर्टिकल जो है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है। और हमने ये भी बोल रखा है कि हम लोग इनकी संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जैसे ये स्टेट नॉर्दर्न के इलाके हैं, आसाम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, तेलंगाना। आर्टिकल नंबर 371 के तहत ये सारे प्रोटेक्टेड है, इनको स्पेशल प्रोविज़न मिला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है आर्टिकल नंबर 370 जम्मू एंड कश्मीर, ये कुछ समय में विवादित मामला रहा है दोस्तों। अगर आपको पता हो किताबों के अंदर ये अभी भी बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद ही डिस्प्यूटेड इलाका रहा है, राजा हरि सिंह जिन्होंने शुरुआती समय भारत में विलय ना होने की कसम खाई थी लेकिन किसी कारणवश वो भारत के अंदर विलय हो गए थे, लेकिन हिंदू और मुस्लिम जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो झगड़ा था वो जम्मू और कश्मीर को लेके था, दैट इज़ वाई दोस्तों हमने इन लोगों के लिए एक स्पेशल आर्टिकल दिया जिसे आर्टिकल नंबर 370 कहा जाता है। इसमें हमने इनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, इनका अलग से संविधान बनाने के लिए, इनका अलग से झंडा बनाने के लिए हमने इनको एक अलग पावर दी हुई है। यानी कि जो चीज़ राष्ट्रपति यहाँ पे और स्टेट्स के अंदर कर सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जम्मू कश्मीर,
छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, जो चीज़ें वो वहाँ बहुत आसानी से लागू कर सकता है ना, वो चीज़ यहाँ पे लागू करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पे जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट होती है और यूनियन लिस्ट होती है ना, उसमें जो भी काम होते हैं ना, वो हम कर तो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इनकी सहमति की आवश्यकता है। यानी कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके करती है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 370 है उसके तहत जम्मू कश्मीर जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ पे हम आर्टिकल नंबर जो हम कोई भी एक्ट पास करते हैं आर्टिकल नंबर 368 के तहत, वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि J&K के पास सेपरेट फ्लैग है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहाँ की समस्या थी, दैट इज़ वाई। लेकिन करंट न्यूज़ दोस्तों, अब किताबों के अंदर तो ये सब प्रिंट हुआ पड़ा है, CBSE वालों लोगों ने नहीं बदला है। लेकिन अगर आपको याद हो आर्टिकल नंबर 361, अभी की जो गवर्नमेंट थी 2019 की जो गवर्नमेंट थी, जो अपॉइंटमेंट होके आई है दोस्तों, उन्होंने आर्टिकल नंबर 371 हटा दिया है। और ये वीडियो मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा कि उस समय इन्होंने बिल्कुल राज्यसभा के अंदर स्पीच दी हुई है कि आर्टिकल नंबर 360 हटाया जा रहा है। और आपको सबको पता है कि अब जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट बन चुका है, और जो जो GK से वाकिफ़ है उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से पता होगा। तो आप कुछ देर के बाद वीडियो देखेंगे, एंड देन दिस इज़ इट इन दिस पार्ट, इतना ही है इसके अंदर। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद। अदर देन होम मिनिस्टर नथिंग एल्स विल नॉट गो। सभापति महोदय, शिवाजी प्लीज बैठिए। मैं आज जो रिवाइज अपना बिजनेस का लिस्ट है उसके अंदर आपने मुझे व्यवस्था दी है कि मैं दो संकल्प और एक बिल, जो प्रिंटेड बिल रिवाइज रूल बिजनेस के अलावे मैं प्रस्तुत करूं। मैं चारों चीज़ें एक साथ प्रस्तुत करूंगा, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद में मैं जवाब भी दूंगा, और चारों पर एक के बाद एक कर कर डिवीजन करना है तो डिवीजन, मगर मुझे भरोसा है कि चारों चीज़ें पर एक सहमति हो जाएगी तो हम इस पर चर्चा कर कर वोटिंग करेंगे। माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारों दो संकल्प और दो बिल जो लेकर आए हैं वो कश्मीर इश्यू पर ही है, उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं। इस वक्त कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। अब मैं एक के बाद एक संकल्प और बिल महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।